डबल इंजन की सरकार हो गई है, और लोग चल रहे हैं अब त्रिपाठी जी के साथ मेल। हुआ ये है कि इन्होंने जो इन योजनाओं का निगोरा की, शौचालय बनवाया 12,000 के शौचालय में वो जा करके दो तरफ से ईटा उठाया है और नीचे मिट्टी 2 फीट काट करके एक पैन रख दिया। अब ये बताइए कि उसमें न फ्लैश है, न पानी है, न गड्ढा है, न टंकी है, शौचालय का काम कैसे करेगा? अल्टीमेटली उसमें गांव के लोग चिपरी रख दिए, चिपरी मतलब जिससे आग जलाते हैं, गोबर का जो सुखा के बनाते हैं वो रख दिए, और लेटरिन अभी खुले में रखते हैं। 12,000 का वो है और 12,000 का शौचालय, उसके एडवर्टाइजमेंट में 50,000 रुपया कर उसी गांव लोहा का पूरा स्टील का बोर्ड लगाएंगे, उसको जमीन में गाड़ेंगे, उस पे प्रिंट करवाएंगे। 12,000 का शौचालय स्टोर रूम हो गया और 50,000 का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड उभर लगे। अब उस गांव के लोगों में कितनी गुस्सा होगी, ये 50,000 का शौचालय बना देता, उसमें टंकी बन जाता, उसमें पानी चढ़ाने की व्यवस्था हो जाती, फ्लैश हो जाता, सारा अरेंजमेंट हो जाता। लेकिन सरकार की राशि का दुरुपयोग, जनता के काम का राशि नहीं, इससे लोगों में गुस्सा है। इन्हीं योजनाओं का ढिंढोरा पीट, दोभा बनाया, मनरेगा को चौपट कर दोभा कट, और दोभा क्या, जेसीबी से सब लोग ऐसे ही गड्ढा काट करके चले। अब वो गड्ढा किसी काम का नहीं, वो गड्ढा ने झारखंड में दर्जनों लोगों की मौत का कारण बना, बच्चे उसी में गिर के मर गए। मतलब कि घर के सामने कुआं काट दिया जबरदस्ती, और वो अधूरा कुआं डोभा के नाम पर, जिसमें लोगों की मौत का कुआं, एक आप देखे होंगे पहले उपन्यास निकलता था, कभी सर्कस में लोग दिखाता था मौत का कुआं, उसी तरह का मौत का कुआं बना दिया डोभा। देयर इज नो यूज, वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी। इन लोगों ने सरकारी राशि को बर्बाद करके रख दिया, बंदर बांट करके रख दिया, जनता के काम में नहीं हुआ। इसलिए लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी इलेक्शन हो, वोट मारे, चोट मारे गवर्नमेंट। पिछली बार आप रनर अप, इस बार आपको क्या लगता है कि रनर अप मैं नहीं रहा, मैं विनर रहा। ये 2-3 हजार वोट इन लोगों ने पिछली बार जो पदाधिकारी, इन लोगों ने बोगस करवा दिया वहां पर। कहीं 97% पोल होता है क्या? 80-97% मोर देन 13 बूथ्स पर हुआ, वही 2-3 हजार वोट, 6-7 हजार वोट बोगस हुआ है, जिसमें 2-3 हजार वोट से हार गए। नहीं तो पिछली बार भी ओरिजिनल वोट से हम विनर हैं, उसके पिछले बार भी विनर थे, इस बार भी जनता बता रही हमें। चलते चलते जनता से आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? यही करना चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए आप हम लोगों को साथ दें, हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम सरकार बना करके और इनके गलत नीतियों को पलटें, आपके लिए अच्छा नीति बना सकें, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर सकें, रोजी रोजगार दे सकें, आपके परिवार की सुरक्षा दे सकें, एक बेहतर प्रशासन दे सकें। देखा आपने किस तरीके से केंद्रीय पार्टी ने अपनी बात रखी है, और टंकिंदन के प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।